भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार पीएम पद की शपथ ली है। ये ग्रैंड इवेंट राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था, जहां बॉलीवुड के कई सारे सितारे भी नजर आए। बॉलीवुड सितारों की बात की जाए तो शाहिद कपूर अपनी पत्नी मीरा के साथ नजर आए थे। अन्य कलाकारों में सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार हिरानी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, आनंद एल राय, अनिल कपूर, अभिषेक कपूर, बोनी कपूर, साउथ सुपरस्टार रजनीकांत भी इस इवेंट में शामिल हुए। लेकिन दो स्टार जिन्होंने सबको चौंका दिया वो हैं फिल्म मेकर करण जौहर और एक्ट्रेस कंगना रनौत। ये दोनों बड़े ही लंबे अरसे के बाद किसी मंच पर एक साथ नजर आए। जी हां, साल 2017 के नेपोटिज्म कंट्रोवर्सी के बाद कंगना और करण के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। लेकिन ये पिक्स देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों ने अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भुला दिया है। इन दोनों के प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो करण जौहर फिलहाल अपनी आने वाली नई फिल्म तख्त की शूटिंग में बिजी हैं, तो वहीं कंगना रनौत अपनी फिल्म मेंटल है क्या की रिलीज की तैयारी में जुट गई हैं।